हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर कासमी साहब बोल रहे हैं क्या? आप कौन साहब बोल रहे हैं? हाँ, मैं मोहम्मद तुफैल खान बोल रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से आप? सलाम कर दिया, कोई बात ये तो। मैं कहाँ से हैं आप जहांगीर साहब? आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, आप खाली सलाम। ये मैंने कहा तो बस सलाम वाला मनी तबालुदा, ये सलाम का जवाब है। शायद आप देवबंदी है ना? आप देखिए, आप शायद लगा रहे हैं। मैं पूछ तो रहा हूँ ना, शायद आप देवबंदी है ना? जी मैं देवबंदी हूँ। तो देवबंदी है तो भाई, जब आप आपका अकीदा मालूम हो गया कि भाई आप देवबंदी हैं, जो देवबंदी बरेलवियों के नजदीक काफिर होते हैं, है ना? अच्छा। और मैं बरेलवी हूँ, तो मैं आपके सलाम का जवाब कैसे दे सकता हूँ? और जब भी मैं दुआ करूंगा तो भाई आपकी हिदायत के लिए दुआ करूंगा। तो देवबंदी काफिर है बरेलवियों के नजदीक? जी चलिए ठीक है। मैं एक सवाल, जी क्या क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देवबंदी अगर आपके नजदीक काफिर है। जी जी जी, मेरा सवाल ये है कि कोई काफिर अगर सलाम करे तो क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए? तो मैंने कहा तो वस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा। अच्छा, वस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा, ये काफिरों के लिए दुआ तो है, हिदायत की उसके लिए हिदायत की दुआ दी जाएगी, क्या उसके लिए रहमत की दुआ की जाएगी? आपने कुरान नहीं पढ़ा कि काफिरों के लिए रहमत की दुआ नहीं होती? आपको नहीं मालूम है? अच्छा, आप ये बताएं जी कि हिदायत किसे कहते हैं? हाँ, हिदायत किसे कहते हैं? आप जिस पे नहीं है उसी को हिदायत कहते हैं। जिस पे हम नहीं है और जिस पे आप हैं उसे हिदायत कहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, मतलब कब्र पे जाकर के चादरें चढ़ाना, औरतों का भीड़ भाड़ लगाना, औरतों और शिरनी एक मिनट, औरतों का मजार पे जाना ये किसने कहा है? किसी हमारे किसी आलिम ने लिखा हो तो किताब का नाम बता दीजिए, सफा नंबर बता दीजिए, ताकि मैं देख लूं। किताब को छोड़ दीजिए, चलिए मैं आपको हर मजार पे दिखाता हूँ। मजार पे दिखाने से क्या? नहीं नहीं, तो मजार पे जो औरतें जाएंगी तो उसको बरेलवियत पे महमूल कर देंगे? आप पहले ये दिखा दें, पहले ये बताइए, मजार पे जो औरतों को दिखा, मजार पे नहीं जाना चाहिए? मजार पे औरतों को नहीं जाना चाहिए? मैं फतावा रजविया का हवाला, हाँ दिखा, मैं दे रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए, सुन लो ना यार, यार जब आपने कहा कि दिखा दीजिए तो हवाला सुन तो लो, ले लो। फतावा रजविया का नाम बता रहा हूँ, मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने जो फतावा रजविया में लिखा है कि औरत मजार पे जाने का इरादा करे उस वक्त से औरतों के ऊपर अल्लाह की लानत होती है। अब बताइए आप, तो आप लोगों ने कभी रोका? किसने? जब हमारे आलिम ने रोका, हमारे यहाँ खतीब रोक रहे हैं, अब औरतों का जाना मजार पे, क्या इसको बरेलवियत पे महमूल कर देंगे आप? जी बिल्कुल कर देंगे। कैसे कर देंगे? जब हमारी जमात के जिम्मेदार आलिम मौलाना अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अपनी किताब में लिख रहे हैं, उनके मानने वाले उलमा बयान कर रहे हैं कि औरतों को मजार पे नहीं जाना चाहिए। मैं बरेलवी हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे, देवबंदी, आप देवबंदी हैं, मैं देवबंदी से कह रहा हूँ कि औरतों का जाना मजार पे नाजायज हराम है। तो फिर अब तो बात ही खत्म हो गई ना। अब दूसरी बात, आपका ये दावा है मजार पे जाना, तो अब हमारी किस किताब में ये बात लिखी हुई है? अब आप पेश कर दीजिए, मैंने तो बता दिया, आप पेश कर दीजिए। फतावा रिजवियाई के अंदर अहमद रजा ने लिखा है कि औरतों का मजार पे जाना जायज है। सफा नंबर बता दीजिए जरा, जिल्द नंबर आप पहले सफा नंबर बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा, और अगर ये बात साबित नहीं हुई तो मतलब आप मान लेंगे कि देवबंदी काफिर होते हैं ना माशाल्लाह? और अगर आप साबित नहीं कर सके तो आप ये बात ये क्या कहते हैं, आप बोल देंगे ना कि मतलब देवबंदी ये बरेलवी मुशरिक होता है? मैं अगर ये साबित कर दूंगा तो मेरी बात सुने, घबराने लगी, शरायत तय कर लो, मान लोगे ना कि काफिर हो, शरायत तय करो, अभी शरायत तय हो रही है, मैं मान लूंगा कि मैं मुशरिक हूँ, अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं मान मेरी बात मुकम्मल सुनो, मेरी बात मुकम्मल सुनो, साबित कर पाया तो शरायत मान लो कि देवबंदी काफिर होंगे, पहले जल्दी बताओ।
कमाल है, बरेली तो मुशरिक होता है, तुम मेरी मुकम्मल बात सुनो तो। अब भागा, अब लियो नहीं होता है, मेरी बात पहले मुकम्मल सुनो बात। तुम तो लाते वही भागा भागा भागा, किसी बरेली की माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो मुझे भगा सके। तुम मेरी बात मुकम्मल सुनो, ये डींगे तुम्हारा थानवी मारता था, नानोत भी मारता था, तुम्हारा अहमद रजा जितना भी घोटाला करके गया, तुम मेरी बात तो मुकम्मल सुन लो। घोटाला किया, आओ उसी पे बात कर लो ना, अगर है जरूरत तो उसी पे बात कर लो ना। कुरान हदीस को और बुजुर्गों के तरीके को छोड़ करके अहमद रजा के उसी पे बात करो, हिम्मत तो करो, हिम्मत तो करो। तुम्हारे अंदर तुम्हारे जुरत और इस्तेकामत नहीं है कि तुम मेरे सवाल को सुन सको। तुम्हारे अंदर जुरत और इस्तेकामत नहीं है कि तुम मेरी बात को सुन सको। ये डिंगे बाजी है, अगर बात करनी हो चलो आओ, तुम्हारे एक मौलवी की बात जी बतौले बाजी से काम नहीं चलेगा। मेरा मुकम्मल सवाल सुनो तो पहले। आओ सुन पाओ, ऐसा करते हैं ना, चलो तुम्हारी एक मौलवी की इबारत पे बात कर लेते हैं, होती हिम्मत है तैयार हो। मैं तुम्हारी मौलवी की इबारत पे पहले मैं बात करूंगा, पहले मैं तुम्हारी मौलवी की। ऐसा करते हैं, हमारे जिस मौलवी की इबारत पे बात करोगे उस इबारत पे अपने अकाबिर का फतवा दिखाओगे, मंजूर है ना? मैं तुम्हारी जिस मौलवी की इबारत पे बात करूंगा मैं उस पे कुफ्र का फतवा दिखाऊंगा। सुनो पहले, इधर सुनो। हाँ बोलो। बात तरीके से होगी, पहले अपना उसूल मुतय्यन करो। मैं अपना उसूल मुतय्यन करूंगा। मैं उसूल ही मुतय्यन करूंगा। हमारे जाकर के माथा टेकना चाहिए और ये क्या कहते हैं औलाद की दुआएं मांगना चाहिए। रजविया का ही एक हवाला ले लो, फतावर रजविया का ही एक हवाला ले लो, मैं तुमको बता रहा हूं। रजविया वजविया वो मुशरिक की किताबों को मैं नहीं पढ़ता, मैं जानता हूँ, मैं मुशरिक की किताबों को नहीं पढ़ता हूँ। बरेलवी ने फरमाया है कि मजार वो जाहिल आदमी था, मैं मुशरिक आदमी की बात को नहीं सुनता। घबराहट हो गई ना वो, उन्होंने तुम बेचैनी के शिकार हो गए हो, हराम तुम के शिकार हो गए। एक मिनट, तुम जाहिल उम्मत, तुम्हारा मरीज मिल्लत मौलवी थानवी लानतुल्लाह अलैह सुवर से बदतर इंसान, चमार से ज्यादा वो कहता है कि इतने बड़े मौलाना को मौलाना नहीं कह सकते हो। उसी की मजलिस में एक शख्स आकर के बोला कि मौलवी अहमद रजा ने ऐसा कहा, तुम्हारा थानवी बोल रहा है कि इतने बड़े मौलाना को मौलाना नहीं कहते, तुम जाहिल आदमी कहते, तो तुम तो अपने थानवी को खुद ही लात मार रहे हो। बताओ उनको, उनको हो गए हो तुम, बुखलाहट के शिकार हो गए हो। मैंने एक लफ्ज ऐसा कहीं नहीं बोला, तुम पूरे रिकॉर्डिंग में सुना दो। तुम इल्जाम जो ठोक रहे हो, तुम्हारा 10 मौलवी मुझसे हार चुका है, तुम्हारा 10 मौलवी राह किरार इख्तियार कर चुका है, तुम 11वां मौलवी हो, बदल बदल करके तुम लोग आते हो। किसी बरेली माँ ने वो बेटा नहीं जना जो मेरा मुकाबला कर सके, मौलवी को मैं भगा चुका हूँ। सुनने के लिए डिंगे बाजी अच्छी है, बाकी तुम्हारी औकात का पता नहीं। बात नहीं सुनते हो, तुम्हारी बात मैं कैसे सुनियो, तुम मेरी बात लोगों को सुना दो। तुम्हारे अंदर जुरत नहीं है बेटा, तुम मुकाबला कर लो, हिम्मत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर जुरत नहीं है, तुम बोगलाहट के शिकार हो गए हो। तुमने ये कहा कि हम तुम्हारे अकाबिर की इबारत पे बात, तुम्हारे अंदर तशन्नुज पाया जाता है, तुम तशन्नुज तुम्हारे अंदर पाया जा रहा है, घबराहट इसको सुन नहीं पा रहा, सुन तो लो जी, तुम तशन्नुज के शिकार हो चुके हो। अरे सुन तो लो, घबराहट होने लगी। तुम्हारी कैसे सुन लो, चलो हम सुना लो, हम सुन रहे हैं, चलो सुनाओ तुम्हारा। तुम ये बताओ कहाँ लिखा तुम कुरान हदीस से और अकाबिरीन जिनके मजार पे तुम जाते हो, पहले सुन लो, सुनो मेरी बात को मुकम्मल सुनो, पहले लफ्ज सुनो। अकाबिरीन लफ्ज नहीं होता है, समझे, अकाबिर उसका जब खुद जमा है तो यह अकाबिरीन क्या है, कबीर की जमा अकाबिर है, तो अकाबिरीन नहीं होता है, अकाबिरीन नहीं होता है, अकाबिरीन जमा तकसीर और जमा सालिम नहीं पड़े हो। अच्छा ये क्या जमाउल जमा क्या होगा, ये जरा सा बताओ ना। बिल्कुल बिल्कुल जमाउल जमा है, तुम्हारा इल्म लोगों को पता चल चुका है, तुम बहुत बड़े जाहिल हो, अजहलुम मिनल कायनात हो, तुम जाहिल नहीं, तुम अजहलुम मिनल कायनात हो, मतलब जितने मिनल कायनात, मतलब तुमको जितने जाहिल आदमी, तुम पहले ये बताओ अकाबिरीन नहीं होता है, अकाबिरीन नहीं होता, मेरी बात सुनो, अकाबिरीन पे अकाबिरीन नहीं होता है। अरे नहीं होता है तो जाहिल नहीं होता है, अकाबिर खुद उसकी जमा है, जाहिल की औलाद, तेरे अहमद रजा ने खुद लिखा, तेरे अहमद रजा ने रजिया के अंदर खुद लिखा है अकाबिरीन, रजिया ने खुद लिखा है अकाबिरीन, अहमद रजा जो है अजहलुम मिनल कायनात खसीरत दुनिया वल आखिरा हो गया, बकौल तेरे, बकौल तेरे, बकौल तेरे, बकौल तेरे, वो तो तुम्हारा थानवी बड़ा मौलाना मान के गया है। काबिरीन खुद अहमद रजा ने
इस्तेमाल किया है। बताओ कहानी क्या बताओ रजविया के अंदर, तुम देख लो सफा बताओ सफा, तुम तीन नंबर पे जाकर के देखो, लाइन पे रहो, लाइन पे रहो, फतावा रजविया खोल रहा हूँ, जिल बताओ फतावा रजविया, तुम जितनी भी किताबें हैं तुम सब अहमद रजा के पास डालो, किताबें मिलेगी। तुमने नाम लिया सफा नंबर जिल नंबर बताओ, जल्दी बताओ जिल नंबर क्या है, तीन सफा नंबर तीन जिल नंबर, जिल्द नंबर पहले सुनो इधर, पहले उसूल मुतय्यन करो, सुनो इधर पहले, तुम जाहिल कहीं के अशरफ अली थानवी की तरह सुअर जाहिलीन अबू जहल की नस्ल से, पहले सुनो तो तुम्हें मैं क्यों सफा बता दूं, मैं तुम्हें क्यों सफा बता दूं, तू सफा बता, तीन नंबर मैं क्यों बता दूं, अभी सफा नंबर तीन, तो जाहिल आदमी हो, तुम्हें अरबियत की कुछ पता नहीं है, अरबियत जी बिल्कुल अरबियत, तुम उर्दू तुम सुने कहाँ हो बेटे, तुमने अल्फाज सुने कहाँ है।